ebraici să se simtă distrugi și sărbători. नमस्कार दोस्तों दोस्तों पिछले साल यानी 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना से जंग में जुटी हुई थी, उस वक्त अगस्त महीने में रूस से आई एक तस्वीर ने पूरी दुनिया को दंग कर दिया था। तस्वीर थी एक महाविस्फोट की, महाविस्फोट ऐसा कि जिसके बारे में दावा किया गया कि ये दुनिया की सबसे विनाशकारी, सबसे भयंकर परमाणु बम का विस्फोट था, जो खतरनाक इतना था कि उस विस्फोट से पूरी धरती को कई बार खत्म किया जा सकता था। हालांकि यह विस्फोट अगस्त 2020 में नहीं हुआ था, लेकिन रूस ने इसे तभी जारी किया था। दावा किया गया कि यह महाविस्फोट 30 अक्टूबर को साल 1961 में रूस ने बेहद गुपचुप तरीके से किया था। उस दौर में रूस रूस नहीं हुआ करता था, रूस की पहचान सोवियत संघ के तौर पर होती थी। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि जो एटम बम विस्फोट करीब 60 साल तक दुनिया की नजरों से छिपाए रखा गया, उसके धमाके का वीडियो जारी करके रूस हासिल क्या करना चाहता है? आखिर रूस ने एक ही धमाके में पूरी दुनिया को तहस नहस करने की ताकत रखने वाले बम को कहां बनाया था? उस दौर में जबकि अमेरिका और यूएसएसआर के बीच वर्चस्व की जंग चल रही थी, रूस ने कहां और कैसे वो बम बना लिया? रूस का बनाया वो एटम बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए अमेरिका के फैट बॉय नाम के एटम बम से करीब 3,500 बमों से भी ज्यादा ताकतवर था। दुनिया को मालूम भी नहीं कि विनाश के ऐसे हथियार बनाने के लिए रूस ने बड़ी कीमत चुकाई है। विनाश के महा हथियार को बनाने के लिए खुद रूस के पूरे कई शहर नक्शे से ही गायब हो गए। लिहाजा दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि वीडियो में पर्दा उठाएंगे रूस के उन्हीं शहरों से जिसका नामो निशान परमाणु बमों की भेंट चढ़ गया। पूरे के पूरे 3 शहर ही नक्शे से मिटा दिए गए, या फिर यूं कहें कि रूस ने अपने परमाणु मिशन को पूरा करने के लिए इन 3 शहरों को कुर्बान कर दिया। दरअसल रूस की मजबूरी थी कि वो कोल्ड वॉर के उन दिनों में अपने जानी दुश्मन अमेरिका को अपनी किसी हरकत की भनक नहीं लगने देना चाहता था। लिहाजा रूस ने बेहद शातिराना चाल चली। रूस ने अपने 3 शहरों को दुनिया के नक्शे पर से ही गायब कर दिया। ये शहर वजूद में तो थे, लेकिन इसका निशान न सरकारी दस्तावेजों में था, न इसकी पहचान रूस ने किसी के सामने भी रहने दी। रूस ने ऐसा इसलिए किया ताकि जानबूझकर दस्तावेजों की परतों में कहीं गुम कर दिए गए उन शहरों में वो कुछ भी करता रहे और दुनिया की नजर उस पर पड़े ही ना। रूस के इन खुफिया शहरों में रहने वालों की जिंदगी सीक्रेट एजेंट जैसी हो गई। ना तो उन्हें अपनी पहचान सार्वजनिक करने की इजाजत थी, ना तो इन शहरों से बाहर जा सकते थे, ना वो ऑनलाइन कोई आइडेंटिटी रख सकते थे। दोस्तों, ना तो रूस के सेंसस में इन शहरों में रह रहे लोगों का कोई वजूद था। आलम यह था कि उन शहरों के लोगों को वोटिंग की भी मनाही थी। वो शहर थे सरोव, इलेक्ट्रोस्टल और देशनोवगोर्स्क। तत्कालीन सोवियत संघ के इन्हीं 3 शहरों में परमाणु हथियारों पर गुपचुप तरीके से काम हो रहा था। मंशा थी कि सोवियत संघ की सत्ता का लोहा पूरी दुनिया माने। एटॉमिक बम बनाने की फहरिस्त में रूस का कोई सानी नहीं हो। लेकिन यही वो दौर था जब अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन समेत दुनिया के तमाम देश भी बिग बॉस बनने का ख्वाब पाले हुए थे। इस रेस में सबसे आगे निकलने की होड़ में रूस कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था। लिहाजा रूस ने अपने गुपचुप मिशन के लिए इन 3 शहरों को दुनिया के नक्शे से ही गायब कर दिया। एटॉमिक रिसर्च के लिहाज से कोई परेशानी नहीं हो, इस लिहाजा इसके लिए सभी चीजों का ख्याल रखा गया। वहां वैज्ञानिकों और कर्मचारियों को बसाया गया जिन्हें सुविधाएं तो मिली, लेकिन शहर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। चोरी छिपे तमाम एक्सपेरिमेंट्स करने में चीन और ताइवान सरीखे मुल्क खास तौर पर जाने जाते हैं, जिनकी वुहान लैब में इसी चोरी के एक्सपेरिमेंट में बने कोरोना वायरस का दंश दुनिया ने झेला है। उत्तर कोरिया को तो दुनिया का सबसे कटा हुआ और चुप्पा देश माना जाता है, जहां सैन्य तानाशाही के चलते कम ही बातें दुनिया तक पहुंच पाती हैं। लेकिन परमाणु ताकत विकसित करने के दौर में अपनी हरकतों को दुनिया से छिपाए रखने में रूस ने नॉर्थ कोरिया को भी बहुत पीछे छोड़ दिया था। रूस ने देश में ही 3 खुफिया शहर बना दिए थे जो यूएसएसआर के बंटवारे के वक्त दुनिया के सामने आए। दशकों तक इन शहरों को देश के नक्शे से ही गायब रखा गया और कोई इसका पता नहीं लगा सके, लिहाजा वहां के पोस्टल कोड्स तक भी हटा दिए गए थे।
रूस के 3 शहर सरो, इलेक्ट्रोस्टल और देसनोगोर्स्क लंबे समय तक रूस के खुफिया अड्डे रहे। तीनों ही शहरों में एक वक्त सोवियत संघ के खुफिया लैब्स पर काम होते रहे। ये वो दौर था जब रूस परमाणु हथियार के लिए अमेरिका से होड़ में था। सरोव के साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में रूस का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार किया गया था। तब किसी को इसकी खबर ना हो, लिहाजा तीनों शहरों को नक्शे से ही हटा दिया गया था, क्योंकि अमेरिका की नजरें हर वक्त 24 घंटे रूस की हर हरकत पर गड़ी रहती थी और रूस नहीं चाहता था कि अमेरिका को उसके किसी भी कदम की भनक तक लगे। साल 1990 में सोवियत यूनियन का बंटवारा हुआ, तब पहली बार दुनिया को इन खुफिया शहरों के बारे में पता चला कि रूस में ऐसे भी कोई शहर हैं। तब वहां तक ट्रेन या बसें भी नहीं जाती थी, बल्कि इन शहरों में जाने के लिए सरकार के बेहद खुफिया और विश्वसनीय विभाग पास जारी करते थे। इन्हीं पासिस के साथ बेहद खास लोग ही वहां पहुंच सकते थे। ये लोग परमाणु हथियारों पर काम करने वाले वैज्ञानिक, उनका परिवार और रूस में बड़े ओहदों पर बैठे लोग हुआ करते थे। जिन दिनों रूस अपनी सीक्रेट लैब्स यानी उन 3 शहरों में कायनात को मिटा देने की ताकत रखने वाले बमों को बना रहा था, उस दौर में संचार के साधन उतने आसान और सुरक्षित नहीं हुआ करते थे। लिहाजा रूस के इन सीक्रेट शहरों में काम करते वैज्ञानिक और कर्मचारियों तक खबरें या निर्देश पहुंचाने के लिए चिट्ठियों का सहारा लिया जाता था। जरूरी चिट्ठियां सही जगह और सही वक्त पर पहुंच सकें, इसके लिए यहां का खास पोस्टल कोड हुआ करता था। जैसे सरोव का पोस्टल कोड था अर्जामस 16। कोई नहीं जानता था कि वहां कौन लोग रहते हैं और वो लोग क्या काम करते हैं। इन सीक्रेट शहरों में न्यूक्लियर वेपन पर काम कर रहे रूस के टॉप साइंटिस्ट और उनके परिवार होते थे। साथ में उनकी मदद जैसे घरेलू कामों और खरीदारी के लिए स्टाफ रखा जाता था। शहर के भीतर ही स्कूल और मनोरंजन की तमाम फैसिलिटीज थी। सब कुछ ऐसे बना हुआ था कि किसी को भी बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक वैसे ही जैसे आजकल की बड़ी बड़ी सोसाइटीज में आपकी जरूरत का हर वो साजो सामान उपलब्ध हो जाता है जिसकी आपको जरूरत पड़ती है, जैसे मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेज वगैरह वगैरह। न्यूक्लियर हथियारों पर काम कर लेने से पहले वैज्ञानिकों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता था, जिसमें अपनी पहचान जाहिर ना करने की शपथ दिलाई जाती थी। गोपनीयता का ये अनुबंध एक बार दस्तखत होने के बाद पूरी जिंदगी लागू रहता था, चाहे वैज्ञानिक रिटायर ही क्यों ना हो जाए। यहां तक कि उन्हें वोट करने का कोई अधिकार नहीं था। अपनी जिंदगी की पहचान मिटाने के बदले में सरकार उन्हें और उनके परिवार को काफी सुविधाएं देती थी। सरो, इलेक्ट्रोस्टल और देसनोगोर्स्क नाम के इन 3 शहरों में अब भी जिंदगी प्रतिबंधित है। यहां रूस के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, जहां किसी न किसी खुफिया अभियान की तैयारी चलती रहती है। सरोव शहर खासतौर पर पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बाड़े के रूप में घिरा हुआ है और पुलिस की पेट्रोलिंग यहां 24 घंटे रहती है। यहां कोई भी बिना पास के भीतर एंट्री नहीं मार सकता है। 1990 के दशक में सोवियत संघ के टूटने के बाद से खुफिया शहर खाली होने लगे, लेकिन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने सत्ता संभालते ही इन शहरों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अब यहां पर ही परमाणु हथियारों के निवेश के लिए दोबारा खूब पैसा लगाया गया है। साल 2019 में ही यहां की लैब्स में काम करने वाले 5 वैज्ञानिक मारे गए। किसी को पता नहीं कि असल में हुआ क्या था। हालांकि रूस की सरकार का कहना है कि वो एक रॉकेट इंजन टेस्टिंग के दौरान मारे गए थे। हालांकि इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं लग सका है और ना ही स्थानीय से लेकर इंटरनेशनल मीडिया में कोई इसकी चर्चा हुई है। यानी इतने गोपनीय तरीके से रूस अपने हथियार बनाता है जिसकी खबर अमेरिका तक भी नहीं लग पाती है, और ये गुप्त तरीका आज भी रूस अख्तियार किए हुए है। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।